नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम दिशावार्ता में। आज हम इस कार्यक्रम में बहुत भारी भरकम सवाल और बहुत भक्ति अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, बहुत व्यावहारिक बात करेंगे और ऐसी व्यावहारिक बातें कि जो आपके सुबह से लेकर के रात तक जुड़ी होती हैं और छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो व्यक्ति के जीवन में इतना महत्व रखता है कि व्यक्ति को आम से खास बना देता है, छोटा से बड़ा बना देता है और एक अच्छा इंसान बना देता है। व्यक्ति कभी पैसे से अमीर नहीं होता है, अगर उसका स्वभाव ठीक है, व्यवहार ठीक है, लोगों के साथ मेल मिलाप ठीक है तो वो व्यक्ति धनी कहलाता है और वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है। जरूरी नहीं कि उसके पास धन हो। तो ऐसे ही आज हम आप सभी के सवालों का, आपके सभी जिज्ञासाओं को शामिल करने का प्रयास करेंगे और आपके इन जिज्ञासाओं का समाधान के लिए आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में परम पूज्य संत श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज हैं। तो आइए सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। हमने कहा कि आज हम व्यवहारिक बात करेंगे जी। तो सबसे पहली मेरी जिज्ञासा है कि व्यवहार क्या है, व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है व्यवहार? व्यवहार माने विशिष्ट आचरण को व्यवहार बोलते हैं और विशिष्ट आचरण है ईश्वरीय संविधान। जैसे भारतवर्ष में अगर सुखी जीवन व्यतीत करना है तो भारतवर्ष के संविधान को फॉलो करेंगे तो सुखी जीवन व्यतीत होगा। ऐसे हमारे ईश्वरीय संविधान जिसको हम लोग शास्त्र बोलते हैं, धर्म बोलते हैं, उसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा व्यवहार सुखी जीवन के रूप में व्यतीत होगा। और सब कुछ हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, भगवद् गीता में, रामचरितमानस में, इन सब चीज़ों का दिग्दर्शन किया हुआ है। बहुत संक्षेप में अगर जानना चाहें तो किस तरीके से व्यक्ति का दिनचर्या हो व्यवहारिक रूप से? ऐसा है कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं और जो लोग पाश्चात्य कल्चर को फॉलो करते हैं वहाँ भी लिखा है कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य भगवान हमारे ज्ञान के देवता हैं और उनको उदय होने के पहले हम उठ करके उनको सम्मान करें, प्रणाम करें तो हमारे जीवन में सात्विक ज्ञान की वृद्धि होती है। सात्विक ज्ञान जब बढ़ता है, सात्विक ज्ञान का अर्थ है कि किसी भी चीज़ का तुरंत जवाब मिल जाना और जीवन में एक सुखी जीवन व्यतीत करने का तरीका निकल आना, उसको बोलते हैं सात्विक ज्ञान। राजस ज्ञान होता है जो हम लोग फैक्ट्रियों में, कमर्शियल वे में यूज करते हैं, वो राजसी ज्ञान जो आज के एजुकेशन में है। तामसी ज्ञान वो है जो दूसरों को परेशान करने में लगाया जाता है। तो सात्विक ज्ञान का उदय होता है जब हम सूर्योदय के पहले उठ जाएं। तो सूर्योदय से पहले उठ करके पहले भगवान को प्रणाम करें, प्रणाम करने के बाद फिर अपना जो भी अपना जीवन का लक्ष्य है, यदि हम पहले वॉकिंग जाते हैं तो वॉकिंग जाए या पहले स्नान करते हैं तो स्नान करें, जैसे भी सुविधा हो, और उसके बाद हमको अपने माता पिता जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे में 2 मिनट का ऐसा समय आता है जब उसकी जिह्वा पर भगवान विराजमान होते हैं। तो नित्य प्रणाम जब हम करेंगे माता पिता को, गुरु को, तो कोई ना कोई दिन वो प्रणाम उस समय भी होगा जिस समय उनकी जिह्वा पर भगवान विराजमान होंगे और उस समय उनके जिह्वा से जो आशीर्वाद निकल जाएगा उससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो हमको जो जीवन का प्रारंभ करना चाहिए हर दिन को, वो भगवान को प्रणाम करके और माता पिता को प्रणाम करके प्रारंभ करें तो हमारा मन सात्विक होगा, बुद्धि सात्विक होगी और पूरे दिन के डिसीजन हमारे अच्छे होंगे। तो हम स्वयं में सुखी रहेंगे, जो हमसे मिलेंगे वो भी सुखी रहेंगे। यहाँ से प्रारंभ करना। प्रणाम का तरीका क्या है हमारा सी जी? ऐसा है कि देखो, प्रणाम का जो गुरु के प्रति जो प्रणाम होता है, गुरु मीन सदगुरु, जो ईश्वर प्राप्त संत हैं, उनको तो प्रणाम करना चाहिए साष्टांग। अगर शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग जमीन में लेट करके प्रणाम करना चाहिए। उसका अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर। साष्टांग लेटने के बाद हम अपने जीवन अपना समर्पित कर दिया। शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्रॉस हैंड करके दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है जिसको हम प्रणाम करते हैं उससे।
अगर उतना नहीं भी झुक सकते हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करते हैं, जो अपना भारतीय संस्कृति है। हाथ जोड़ने का अर्थ होता है कि हम अपनी क्रिया शक्ति को आपके प्रति समर्पित करते हैं, कर्म को, और सिर झुकाने का अर्थ होता है कि अपने अहंकार को, ईगो को हम आपके प्रति समर्पित करते हैं कि जो आप आदेश करेंगे हम करेंगे। तो प्रणाम करने के ये तरीके हैं, तीन तरीके हैं, या तो साष्टांग प्रणाम करें, या चरण स्पर्श करके प्रणाम करें, या हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करें। ये जो टाटा है, बाय बाय है, आजकल हाय हाय चल गया है, ये तो अपशकुन है एक तरह से, और शब्द का बहुत प्रभाव होता है। आज साइंस ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई हम पौधा लगाते हैं और उसके साथ अच्छा म्यूजिक चलाते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। गौशालाओं में मैंने स्वयं देखा है, चित्रकूट में नाना जी ने जो गौशाला बनाई है वहाँ म्यूजिक लगा है गौशाला में, और जब गायों का दूध निकाला जाता है तो म्यूजिक चला देते हैं, गाय दूध ज़्यादा देती है। तो शब्द का इतना प्रभाव है कि हम जैसा शब्द बोलेंगे वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। तो हम लोगों को अच्छे शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें ये टाटा, हाय हाय, बाय बाय जो है, इसी से आज जीवन परेशान है, दुखी है, लेकिन ना समझिए या कल्चर कहें या सिस्टम कहें, जो भी कहें। आज के युवाओं को भी देखा जाता है कि वो साष्टांग तो बहुत दूर की चीज़ है, हाथ जोड़ना तो बहुत दूर की चीज़ है, पूरी तरीके से झुक भी नहीं, ऐसे हाथ करते हैं। और हाँ, तो उनको एक तो सिखाया नहीं गया पहले से, जो माता पिता से संस्कार मिलना चाहिए। तो पहला हमारी जो संस्कृति है, प्रारंभ तो वहीं से होती, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता का रोल है। माता का रोल मालूम है कहाँ से? माता का रोल तो गर्भ से, गर्भ में जब बच्चा होता है वहाँ से लिखा है कि माँ उस समय जो सुनेगी, जो देखेगी, जो पढ़ेगी, उसका सारा प्रभाव गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। और ऐसे हमारे ग्रंथों में दो उदाहरण हैं। प्रहलाद जी ने सारा नौधा भक्ति जब गर्भ में थे, नारद जी ने उनकी माँ को सुनाया तब सीखा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सुभद्रा के गर्भ में थे तब उन्होंने सीखा। और आज प्रैक्टिकल लॉजिकल मैं बताता हूँ कि आजकल 2-2.5 साल के बच्चे जो मोबाइल चलाना जानते हैं उनको कौन सिखाता है? ये क्वेश्चन है आज युवा पीढ़ी के सामने कि वो कैसे सीख जाते हैं। जो माने हम लोग एप्लीकेशन जो नहीं चला पाते हैं वो बच्चे चलाते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? क्योंकि आजकल माताएं प्रायः बेड रेस्ट पे होती हैं जब गर्भावस्था होती है, और उस समय उनके पास काम नहीं होता, दिन भर मोबाइल चलाती है। वो जो माताएं मोबाइल चलाती हैं उसका संस्कार बच्चे पे पड़ता है, गर्भ में मोबाइल चलाना सीख जाता है। तो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारा पहले गुरु माँ है, परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है। और तो माँ का जो रोल है वो सबसे पहले, उसके बाद पिता का रोल है, उसके बाद आचार्य का रोल है। इसलिए हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो हमको संस्कार वहीं से देना चाहिए। तो वहां से जब संस्कार पड़ेंगे तब बच्चा आगे संस्कारित होकर के जीवन में सुखी होता है। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हर माँ अपने बेटे के जैसा चाहती है उसे उसको करना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि माँ तो चाहती है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा हो, लेकिन वो खुद जो है अच्छा नहीं होना चाहती है। मुख्य समस्या तो वही आती है ना। बच्चों के लिए ऐसा है कि लिखा है कि बच्चों को अगर ठीक बनाना है तो तीन चीज का ध्यान देना चाहिए। एक तो बच्चे को अगर हो सके तो 10 मिनट की कोई प्रार्थना है, हनुमान चालीसा है, या जो उसको अच्छा लगता है, कृष्ण भगवान का, राम जी का, शिव जी का, कुछ सिखाना चाहिए। मान लीजिए बच्चा नहीं करता है, कोई बच्चे जिद्दी होते हैं, तो उनको चैरिटी सिखाना चाहिए। चैरिटी, आज के बच्चे चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाओ, उसके लिए ठीक है, जो चाहिए गिफ्ट दो, लेकिन उसके बाद उसको गरीबों के अनाथालय में ले जाओ, उसके हाथ से बच्चों को दिलवाओ, गरीब लोगों को दिलवाओ, तो बच्चे की देने की आदत पड़ेगी, तो बच्चा कभी बड़े होकर के दूसरे का हक नहीं छीनेगा। तो एक तो चैरिटी सिखानी चाहिए, दूसरा बच्चा किस कंपनी में रहता है, किस संगति में रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और बच्चों को बोले नहीं करना चाहिए, तो आपके सामने नहीं करेगा लेकिन छिपा के करेगा, उसको नहीं रोक सकते। तो स्वयं हम वैसे बनेंगे तभी बच्चा वैसा बनेगा, अनुकरण शक्ति होती बच्चे में। अब जो संस्कार की जो बात है महाराज जी, मैं चाहूंगा कि संस्कार किस तरीके से व्यक्ति जो है बहुत सरल तरीके से कि संस्कारिक कैसे बन सकता है। ऐसा है कि देखो, बच्चे को प्रारंभ से लेकर 5 साल से 15 साल तक तो माता पिता का रोल होता है। माता पिता उसको जैसा बनाएंगे वैसा वो करेगा उस समय, क्योंकि उसको उस समय अपनी बुद्धि जागृत ज़्यादा नहीं होती है।
15 साल के बाद हम बच्चे को अगर कैसा बनाना चाहते हैं उसको वैसे एजुकेशन देनी होगी। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है अब तो काफ़ी सुधर रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसमें हम कहते हैं आज पैसा कमाने के अलावा उसका लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं, हाई एजुकेशन करके या तो बहुत अच्छा व्यापार करना या बहुत अच्छा जॉब करना है, दो ही उसके लक्ष्य हैं। तो हमारे जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें से अर्थ प्रधान एजुकेशन है आज। अर्थ कह लें या थोड़ा बहुत काम कह लें, सुख सुविधा कह लें, धर्म और मोक्ष का तो उसमें कोई नॉलेज है नहीं। तो मैं तो इसके लिए 4 शब्द नए निकाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए। मैं तो कहता हूँ ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आप बोलोगे आपके शास्त्र की भाषा ये है वो सब। मैं कहता हूँ कि अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए समय दो, मन के स्वास्थ्य के लिए समय दो, परिवार को समय दो और व्यापार को समय दो, ये तुम्हारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गए। और इसमें हर व्यक्ति आज का युवा पीढ़ी एग्री है। जब मैं किसी युवा को ये बोलता हूँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बोलो, वो नहीं समझता है। मैं बोलता हूँ तुम्हारा परिवार का शांति रहना जरूरी है, बोले हाँ जरूरी है। शरीर का स्वास्थ्य जरूरी है, बोले हाँ जरूरी है। मन की शांति जरूरी है, बोले जरूरी है। मैंने कहा बिजनेस ठीक रहना जरूरी है। मैंने कहा यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यही है। परिवार की शांति रहना क्या है? धर्म है, परिवार का ध्यान रखना। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहना कामना, माने कोई भी इच्छा होगी शरीर स्वस्थ होगा तभी हम पूर्ण करेंगे। मन की शांति क्या है? मोक्ष है। और व्यापार ठीक रहना अर्थ है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो यही हो गया। तो हमको इस लेवल पे जाके समझाना पड़ता है कि उस व्यक्ति को कन्विंस हो जाए बच्चा, यंग जनरेशन। और प्लस पॉइंट ही है यंग जनरेशन में कि अगर कन्विंस हो जाते हैं तो 100% फॉलो करते हैं, कन्विंस नहीं होते हैं तो सीधे मना कर देंगे। तो ये माता पिता को भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों को क्या एजुकेशन दें, उनको शुरू से क्या सिखावें। और हमारे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है, दे रही है, इस समय की जो गवर्नमेंट है वो दे रही है। एजुकेशन में जो सुधार होगा तभी हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में सुधार होगा। आज पाश्चात्य लोग पाश्चात्य कल्चर को छोड़ रहे हैं और आज हमारे लोग उस कल्चर को अपना रहे हैं। वहाँ के लोग नॉनवेज छोड़ रहे हैं, ड्रिंक छोड़ रहे हैं। मैं स्विट्जरलैंड गया था लास्ट ईयर, तो ज्यूरिख में गोविंदा है, इस्कॉन का मंदिर है। तो वहाँ पर जब, क्योंकि मेरे को भोजन करना था, मैं रुका हुआ था इंटरलाकेन में, तो दूर था थोड़ा वहाँ से। वैसे हम अपना भोजन रसोईया लेके जाते हैं। तो वहाँ जब गए हम गोविंदा में, तो वहाँ देखा कि इंडियन से ज़्यादा फॉरनर्स बैठे थे, जबकि गोविंदा में लहसुन प्याज भी अलाउड नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल सादा वेजिटेरियन भोजन होता है। फॉरनर्स वहाँ इंडियन से ज़्यादा बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। तो वो लोग देख रहे हैं कि इसका नुकसान क्या है, स्मोक का, ड्रिंक का, नॉन वेज का। इनको नया नया शौक चढ़ा अभी धीरे धीरे। तो अब जो समझदार हो गए हैं बड़े शहरों को तो समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। और हमारे कल्चर को सुधारना होगा, मेन चीज़ वही है। हमारे बड़े लोग सुधरें और हमारा एजुकेशन सुधरे, उसे संस्कार पढ़ेंगे और जीवन को व्यवस्थित करें। माता पिता के साथ रह करके व्यापार को समय दें, शरीर को समय दें, मन के लिए कुछ योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करें और परिवार को समय दें। इस ढंग से व्यवस्थित जीवन जिया जा सकता है, संस्कार तो वहीं से पड़ेंगे। सत्य क्या है महर्षि जी? सत्य तो परमात्मा है, जो तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, जो चेतना है सर्वत्र, जिसको हम पावर बोलें, गॉड बोलें, राम बोलें, कृष्ण बोलें, वही सत्य है। जिसकी सत्यता से सब सत्यवत प्रतीत हो रहा है। ये तो परिवर्तन है, ये घर 5 साल पहले नहीं था, आज है, कब तक रहेगा मालूम नहीं। हमारा शरीर मान लो आज 55 साल के, 60 साल पहले नहीं था, 50 साल बाद नहीं रहेगा। तो ये तो जो नहीं रहने वाला हमेशा, वो सत्य नहीं होता है। जो हमेशा रहने वाला होता उसी को सच बोलते हैं। तो जो हमेशा रहता उसका नाम आत्मा है, चैतन्य है, पावर है, गॉड है, राम है, कृष्ण, उसका कुछ भी नाम रख लो उसी को सच बोलते हैं। राम कृष्ण का नाम लिया महर्षि जी, तो राम कृष्ण के जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? ऐसा है कि आज के जीवन में राम जी का आदर्श हृदय में रखना चाहिए और कृष्ण जी का आदर्श व्यवहार में रखना चाहिए। और इसको स्पष्ट कर दूं, राम जी के जो मन में होता था वही वाणी में होता था, वही कर्म में होता था। आप समझिए, मन वाणी कर्म की एकता। और भगवान कृष्ण जो बोलते थे वो चाहते नहीं थे, वो बोलते कुछ थे, चाहते कुछ थे, करते कुछ थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज का आदमी तो ऑलरेडी ये सब कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फर्क है। भगवान कृष्ण जो करते थे वो अच्छे उद्देश्य के लिए करते थे, अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना पड़े वो सब धर्म के अंतर्गत है, सुख शांति के लिए। गलत उद्देश्य के लिए जब मन वाणी कर्म में भेद होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है,
और अगर आज की डेट में हम राम जी का आदर्श फॉलो करेंगे तो आज का समाज अपने को चीट कर लेगा, धोखा दे देगा। वो हमें से हमारी कमियां पूछ लेगा। हम कहते हैं आपसे कोई पूछ लेगा आपका कैश कहाँ रखा है, तब आप राम जी बनोगे या कृष्ण जी बनोगे? हाँ बनना पड़ेगा, जहाँ है वहाँ नहीं बताओगे, बता दोगे तो छीन लेगा, मारपीट करेगा। तो आज के जीवन में हृदय में राम जी का आदर्श रखो, मतलब हमको किसी को धोखा नहीं देना है, लेकिन हमको कोई चीट करे ऐसा बेवकूफ भी नहीं बनना, तो वहाँ कृष्ण जी का फॉलो करना पड़ेगा, यानी सामंजस्य बिठा के चलना। हाँ, क्योंकि राम जी ही कृष्ण जी बन के आए, तो राम जी को 17 लाख वर्ष हुआ, कृष्ण जी को 5300 साल हुआ, तो राम जी कृष्ण जी इसलिए बन के आए कि इस युग में ज्यादा व्यवहारिक कृष्ण जी का रोल है, इसलिए राम जी कृष्ण जी बन के आए। महाराज जी, सेवा क्या होता है, सेवा का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है जीवन में? ऐसा है, किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए जिससे हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सेवा से उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सेवा का मूल मंत्र है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भरत जी ने इसको कहा है कि हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं, जिससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके आज्ञा पालन करना ही सेवा है। मान लीजिए कोई संत है, कोई संत की सेवा करता है। अब अगर संत कहता है कि पैर में दर्द है, पैर की सेवा कर दो, तो पैर दबाना सेवा है। अगर संत कहता है मेरे को कुछ काम है अभी पैर नहीं दबाना है, तो पैर न दबाना ही सेवा है। अब अगर वो जिद करे नहीं तो हमको तो रोज दबाना है, नहीं तो हमको सेवा का फल नहीं मिलेगा, तो सेवा वो नहीं होती है। सेवा मनोमुखी नहीं होती है, सेवा आराध्यमुखी होती है, जिसकी हम आराधना करते हैं। और सेवा से ही तो हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। सेवा एक ऐसी चीज है, भरत जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। सेवा करके जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन प्राप्त होना एक अलग चीज़ है, और जब सेवा करते हैं तो हृदय से आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद जब हृदय से निकलता है तो उसके जीवन में चमत्कार होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने जब शिक्षा ली उज्जैन में, तो खैर भगवान थे, लोक शिक्षा के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की संदीपनी गुरु जी से। 64 दिनों में 64 विद्याओं की शिक्षा ले ली। फिर गुरु जी से कहा गुरुदक्षिणा, सेवा रोज करते थे, तो उनके मृत पुत्र को जीवित करके गुरुदक्षिणा में उन्होंने दिया। संदीपनी गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी विद्या हमेशा तुमको स्मरण बनी रहेगी, कभी भूलेगी नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। तो विद्या अध्ययन करना वो तो एक नेचुरल प्रोसेसर था, लेकिन गुरु का आशीर्वाद मिल गया कि तुमको कभी विस्मृत नहीं होगा, भूलेगी नहीं, ये सेवा का फल मिला। तो सेवा से वो वस्तु मिल सकती है। भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे जो कि अध्ययन बहुत कम करते थे, सेवा ज़्यादा करते थे। तो भगवान शंकराचार्य जी एक दिन पढ़ाने के लिए बैठे, तो बोले चलो उसको आ जाने दो। फिर तो दूसरे शिष्यों ने कहा कि उसको तो कुछ आता जाता नहीं, सेवा बहुत बढ़िया करता था, पढ़ने से ज़्यादा वो सेवा ही करता था। भगवान शंकराचार्य जी ने संकल्प किया कि वो त्रोटक छंद बोलते हुए सामने से आए, इसलिए उनका नाम त्रोटकाचार्य पड़ गया। तो सेवा से वो हो सकता है जो मेहनत से नहीं हो सकता है। अगर समर्थ पुरुष है, संत हो, माता पिता हो, भगवान हो, लेकिन सेवा का मूल सूत्र है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो क्या चाहता है वो करना सेवा है, हम क्या चाहते वो करना सेवा नहीं है। जैसे संत की सेवा है, संत को कहते नहीं मिठाई खा लीजिए हमने अपने हाथ से बनाया घर में बनी है, अब उसको नुकसान करती है, तो अब अगर वो कहता नहीं खाना है तो ना खिलाना ही सेवा है, जबरदस्ती खिलाना सेवा नहीं है, वो तो अपने मन की सेवा हो गई। तो सेवा का मूल सूत्र है उसके आदेश का पालन करना, जो भरत जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो सेवा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, सेवा से बड़ी बड़ी सफलताएं लोगों को मिली है, व्यवहारिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों ने प्राप्त किया है। और आप जानते हैं जो जिसके सेवा करता है उसको बिना एजुकेशन के आज भी साइड से निकाल दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, हर क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन वो भाव बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए हमारे से। वो तो अध्यात्म के क्षेत्र में होती है, व्यवहारिक क्षेत्र में तो संभव नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो निस्वार्थ ही होती है, वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है सेवा के द्वारा। और सेवा की ही देन है महाराज जी की, आज भगवान राम की जहाँ पर हम मूर्ति देखते हैं, मंदिर में जाते हैं देखते हैं जी। तो सेवा की वजह से ही भगवान हनुमान जी का और लक्ष्मण जी का जी जी
ये आदर्श सेवक है दोनों, हनुमान जी भरत और जी की लक्ष्मण क्यों जी। नहीं है महाराज जी? नहीं, भरत जी का सेवा का रूप दूसरा था। भरत जी को अगर देखा जाए तो कहीं इनसे भी बड़े सेवा के रूप में उनको माना गया, लक्ष्मण जी से भी ज्यादा। लेकिन उनके साथ नहीं है हाँ नहीं, ऐसा है कि देखिए वहाँ वर्णन है कि एक तो ये है कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी कहते हम आपसे अलग नहीं होंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन भरत जी को जब राम जी कहते हैं तुम यहाँ रहो तो भरत जी कहते हैं आपका आदेश पालन ही नम मेरी सेवा। सेवा है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस में लिखा भरत भरत सम आए, भरत के जैसे केवल भरत है, दूसरा कोई नहीं है। अब अगर लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि तुम यहाँ रहो, पिताजी ठीक नहीं है, भरत अभी यहाँ नहीं है, तो लक्ष्मण जी नहीं रहे, तो लक्ष्मण जी को आदर्श पुत्र भक्त के रूप में माना गया, आदर्श सेवक तो भरत जी को ही माना गया है। हनुमान जी या भरत जी दोनों को, तो हनुमान जी भी आदेश पालन करते थे और भरत जी भी करते थे। महाराष्ट्र जी, व्यक्ति को व्यक्ति के मन में बुरे विचार न आए, तो बुरे विचार न आए उस इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसा क्योंकि बोल विचार तो देखिए बुरे हर व्यक्ति के आते होंगे, लेकिन आने आने ना पाए। नहीं, बुरे विचार नहीं आएंगे, वो तब तक नहीं होगा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक वो संभव नहीं है। सारा संसार जब को आपको भगवान के रूप में नहीं दिखाई देगा तब तक संभव नहीं है वो। उसमें ये संभव होता है, और कलयुग में ये सुविधा है कि मन में विचार आ जाए तो उसका पाप नहीं लगता है, एक्शन में नहीं होना चाहिए, क्रिया में नहीं आना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई भी लिखी और शास्त्र में भी लिखा है, कलिकर एक विशेष प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बोले कलयुग में अगर आप मन से किसी के भलाई सोचते हैं तो आपको पुण्य हो जाएगा, लेकिन मन से किसी की बुराई सोचते हैं तो पाप नहीं लगेगा। क्योंकि कलयुग में सबसे कठिन काम यही है कि लोग मन से किसी के भलाई सोचे, ऊपर से भले बोले लेकिन मन से तो नहीं सोचते, तो कहते मन कलयुग में तो मन से भी भलाई सोचोगे, कुछ करोगे नहीं तो भी पुण्य हो जाएगा, तो भी तुम्हारा सत्कर्म हो जाएगा, और अगर बुराई सोचोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो इस कलिकाल में व्यवहार में थोड़ा कठिन काम है कि मन में विचार ना हो, तो उन्हीं के नहीं आते, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटी राम बाबा, जिनको सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देता है, उनके मन में नहीं आते। बाकी तो थोड़ा कठिन है, कम ज़्यादा होते ही हैं, थोड़ा बहुत आते ही हैं, वो तो संभव नहीं है, एक्शन में नहीं आना एक्शन में चाहिए, नहीं आना एक्शन में नहीं चाहिए। आना चाहिए, वो संभव मीरा बाई ने विष है। पिया महाराज जी, लेकिन वो जीवित रहीं फिर भी। ऐसा ये सच है महाराज जी हाँ कि सच है, सच है। वहाँ तो काला नाग हार बन गया, सिंह उनके चरणों को जा करके चाटने लग गया, वहाँ विष अमृत बन गया। तो ये भक्ति की शक्ति दिखाई गई भगवान की, क्योंकि भगवान विष में मारने की शक्ति किसने दिया? भगवान ने। शेर को काटने की आदत किसने दिया? भगवान ने। नाग को डसने के स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने। विभीषण का घर क्यों नहीं जला लंका में, सारी लंका? तो अग्नि को किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वहाँ सारे प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। वो भक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज जी? वो भक्ति पाने के लिए भक्तों का साथ और भक्तों की सेवा, जिनको भक्ति मिली हुई, जैसे दीपक से दीपक जलता है ना, तो भगवान को पाने के लिए जिन्होंने भगवान को पाया है उनका साथ, उनकी सेवा, उनका आदेश पालन, उससे वो प्राप्ति होती है। मीराबाई को भी तो संत ही मिले थे ना प्रारंभ में, जो उनको गिरधर गोपाल देखे गए, तो ब्रज के संत थे, ब्रज बिहारी दासी महाराज, उनको गिरधर गोपाल दिए, तो शुरू से संतों का सानिध्य उनको मिला। आज किसी के जीवन में भी कुछ अगर दिखता है, मैं कहता हूँ मैंने अध्ययन किया लेकिन इतना नहीं किया, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अध्ययन लोगों ने किया है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि हमको सिद्ध संतों की कृपा शुरू से मिली है। पूज्य रोटी राम बाबा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य राम किंकर जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ऐसे संतों की कृपा मिली है, उससे जीवन में परिवर्तन होता है। ये पहचान कैसे, जैसे महाराज जी आपने कहा कि जो सिद्ध लोग हैं, जो सिद्ध संत हैं, उनके साथ उनका सानिध्य में रहना चाहिए, लेकिन इसकी पहचान व्यक्ति कैसे करे? पहचान तो आने जाने से होगी, ऐसे महापुरुष एक तो पब्लिक में कम रहते हैं, उनको कोई चैनल में कोई उनका करके लेके दिखा दे अलग बात है, वो तो स्वयं जाते नहीं है। नहीं। और अभी भी ऐसे एक से दो पुरुष हमारे जबलपुर आश्रम में हैं, तो कभी अभाव नहीं होता है, कम ज़्यादा होते हैं। एक समय था कि जबकि गांव गांव में सिद्ध पुरुष थे, आपको भी याद होगा कर्पात्री जी महाराज, स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज, बड़े बड़े महात्मा, हर गांव के बाहर कोई ना कोई सिद्ध पुरुष। अभी कम हो गए, अभी कथावाचकों का समय चल रहा है, कथावाचक घर घर आपको मिलेंगे, लेकिन हमारे जबलपुर आश्रम में अभी एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, परमहंस जी महाराज, जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ इन्हीं आंखों से,
नर्मदा जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ जागृत अवस्था में, अब वो कहीं जाते नहीं, नर्मदा नर्मदा किनारा छोड़ के 9 साल से वहीं रह रहे हमारे बगीचे में आश्रम में। अगर महाराज जी मैं ये दुस्साहस करूं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि उन्होंने दर्शन किया है, तो इसे आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं उन्होंने देखा है? जैसे हमारे दर्शक होंगे, कई ऐसे होंगे जो ऐसा भाव आ सकते हैं जी। इसको ऐसा है कि अगर 5वीं कक्षा का बालक MA में जो फिलॉसफी लिखी है वो कहते मैं नहीं मानता हूँ इसको, तो वो उसकी ना समझी है, क्योंकि उस लेवल तक वो पहुंचा ही नहीं। जब उस लेवल पे पहुंचेगा तो MA में क्या लिखा था वो समझेगा। और हम लोग इसलिए मानते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ठीक है उस रूप में हमको नहीं हुआ, लेकिन हमको भी कुछ यत किंचित ठाकुर जी का अनुभव हुआ है, तो हम लोग उस चीज को विश्वास करते हैं कि उनको भगवान के दर्शन हुए हैं। अनुभव कैसे किया जा सकता है महाराज जी? अनुभव पहले आचरण, आचरण पहले अच्छा हो, जीवन अच्छा, जिसको धर्म बोलते हैं, हम जानबूझ करके किसी को तकलीफ न दें और जानबूझ करके किसी का हक न छीने, ये दो चीज पहले व्यवहार में लावें, उसके बाद किसी सिद्ध महापुरुष से मार्गदर्शन प्राप्त करके साधना करें। फिर जैसे आप ठीक ट्रेन में बैठ गए, मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप ट्रेन ठीक पकड़ लें। आप हावड़ा की ट्रेन पकड़ लेंगे तो दिल्ली नहीं पहुँचेंगे, तो ठीक ट्रेन पकड़ाने वाले को बोलते हैं गुरु। तो आप ठीक साधना प्रारंभ कर दें, फिर ठाकुर जी कब मिलेंगे कैसे, अब स्टेशन बाय स्टेशन फिर आते जाएंगे, आप ठीक ट्रेन में बैठे फिर आपको चिंता नहीं करना कि वो कब आएगा कब आएगा, अपने टाइम पर आता जाएगा। तो एक ठीक अपना लक्ष्य ठीक हो और मार्गदर्शक गाइड या गुरु जिसको हम बोलते हैं वो ठीक हो, साधना का क्रम अपने आप मिलता जाता है। जैसे महाराज जी हमने किसी को अपना गुरु बनाया है, और गुरु का शरीर छूटने के बाद जी क्या दूसरा गुरु बनाना चाहिए? गुरु मतलब एक जो गुरु दीक्षा का प्रोसीजर होता है जी, वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे गुरु जी के पास एक ऐसे साधक आए थे, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी का शरीर नहीं है तो क्या हम हमसे गुरु दीक्षा ले लें? तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु के रूप में मैंने ही तुमको गुरु दीक्षा दिया है, तुमको जो पूछना है पूछो, वो प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है दोबारा, जो विधि होती है तिलक होता है गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा वो उसकी जरूरत नहीं, बोले जो मंत्र तुमको तुम्हारे गुरु जी ने दिया उसके विषय में पूछो मैं बताऊंगा, गाइडेंस ले सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत नहीं। व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो और मन को शांत करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा है कि टेम्परेरी तो कुछ उपाय हैं, माने मन शांति के लिए तो बहुत बड़ी साधना होती है, लेकिन तुरंत शांत करना है तो आप जैसे आपकी जीभ है इसको आप बीच में बैलेंस करें, ऊपर भी टच ना हो नीचे टच ना हो, बीच में बैलेंस करें, आपका मन उधर से डाइवर्ट होकर इधर आ जाएगा। तो दुख सुख तो मन का ही होता है, तो मन को या श्वास का जैसे विपश्यना में क्या सिखाते हैं, श्वास का ध्यान करो, ब्रह्मा कुमारी में क्या सिखाते हैं, यहाँ पर लाइट का ध्यान करो, ये क्या है बिगनिंग, ध्यान को डाइवर्ट करना, मतलब मन को डाइवर्ट, मन को डाइवर्ट करना है। तो मन जिस सब्जेक्ट को लेके दुखी था वो सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाएगा तो मन का दुख खत्म हो जाएगा, तो वो टेम्परेरी है लेकिन तुरंत दूर करता है, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक या पेन किलर, ये थोड़ी देर के लिए उसको डाइवर्ट कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए करना है तो रेगुलर साधना करनी होगी। तुरंत डाइवर्ट करना तो उसके लिए जैसे प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम है, या जीभ को ऐसे बीच में बैलेंस करो, या श्वास का ध्यान करो, मन उधर से डाइवर्ट हो जाएगा तो खुद कम हो जाएगा। महाराज जी आज हमारे दर्शकों को महाराज जी ने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी, और हमने प्रयास किया कि बहुत गूढ़ और भारी भरकम सवाल न करने का, कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे अगर आप धारण करते हैं, इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जिस सेवा की हमने बात की, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे उस दिन मुझे लगता है कि बोलने से ज़्यादा आसान हो जाता है करना। तो आप लोग अपना जो भी महाराज जी ने बताया इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको ग्रहण करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। महाराज जी इतना समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, सबको आशीर्वाद, जय श्री राम।